इलाहाबाद जो पंजिम सिटी से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो हम चलते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। ये जो सामने दिख रहा है कैसीनो ग्रैंड है, और हेलो गाइस, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम है नागेश, मैं गोवा से हूँ, वास्को डा गामा में रहता हूँ। सो गाइस, ये मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉगिंग है। सो अब मैं फ़िलहाल हूँ पंजिम के मेन सिटी में। यहाँ पे एक चर्च है पंजिम के मेन सिटी पे, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कोविड की वजह से बहुत ही कम टूरिस्ट है। तो गाइस चलो इस प्लेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आए हुए हैं फ़िलहाल के लिए तो लॉकडाउन की वजह से। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। अभी ऊपर जाते हैं और चर्च को एक बार देख लेते हैं कि चर्च कैसा है। एक बार नीचे भी देख लीजिएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चर्च है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसके आगे हम जा नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये डाला हुआ है, तो इसके ऊपर और आगे हम जा नहीं सकते। इस चर्च के नीचे से ऐसा सीन आता है, बहुत ही अच्छा है। ये जो मेन सर्कल आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मूवी शूट हुए ये मेन सर्कल में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चर्च है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो अब हम यहाँ से चलते हैं किसी दूसरी जगह पर। गाइस अब मैं आ चुका हूँ पंजिम के मेन सिटी में। अब हम जाने वाले हैं फेरी में, वहाँ पे आने वाला है फेरी। पीछे मेरा पीछे आप देख सकते हैं कि वो फेरी आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली। अभी पीछे आ रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इस फेरी के अंदर। तो गाइस अब हम फेरी के जरिए इस जगह से सामने जो दिख रहा है दूसरे ऑपोजिट में यहाँ पे जाना है हमें वापस। तो अब हम चलते हैं फेरी। ये जो सामने दिख रहा है कैसीनो ग्रैंड है, और ये पीछे जो है बिग डैडी कैसीनो। तो गाइस अब हम फेरी के बाहर आ चुके हैं, अब हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। पता नहीं कहाँ पे होगा, लेकिन सो गाइस अब मैं आया हूँ मीराबाद, जो पंजिम सिटी से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो अब चलते हैं बीच पे। अब हम पहुँच चुके हैं मीरामार बीच, पंजिम से 2-3 किलोमीटर दूर होगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ मीरामार बीच, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा भी है, देख लीजिएगा आप।
पंजीम का बहुत ही मशहूर बीच है ये मीरामार बीच। और फिलहाल तो यहाँ पे नहाने के लिए अलाव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। परमिशन तो फिलहाल दिया नहीं गया है। सो गाइस, अब मीरामार से जाने का वक्त आ चुका है। बहुत देर से मैं यहीं पे था, 1 आवर तक। सो अब मीरामार से किसी और अच्छी जगह पे चलते हैं। सो गुड इवनिंग गाइस, अब मैं आ चुका हूँ थ्री किंग्स चर्च जो कंसोली में पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा दिखता है इवनिंग टाइम पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये थ्री किंग्स चर्च है जो बहुत अच्छा है, और यहाँ से जो सनसेट वगैरह है बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पे। तो गाइस, अब मैं आपको इस प्लेस के कुछ ब्यूटीफुल सीन्स दिखाता हूँ और यहाँ का सनसेट भी दिखाता हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में सच में। तो आप अभी देखिएगा। हे गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको नए वीडियो के साथ नए प्लेस में आपको मैं मिलता हूँ। सो प्लीज़ टेक केयर एंड बी सेफ।